हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कोलोकोसिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, जो मैंने बनाई है फिश के हेड से। एकदम आसामी ऑथेंटिक डिश है ये। तो आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ली है कुछ कोलोकोसिया स्टेम, फिर मैंने ली है यहाँ पे फ्राई की हुई फिश के हेड, फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बहुत ही सीक्रेट लिक्विड, जो है आसामिस खार, जो बनाना ट्री को सुखा के फिर उस हिस्से बनाए जाते हैं। आप लोग इसके बदले में बेकिंग सोडा का ये थोड़ी सी लिटिल पिंच यूज़ कर लीजिएगा पानी के साथ मिक्स करके, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूरे स्टेम को काट ली, फिर इसका जो ग्रीन कवर है इसको हटाना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। देखिए इस तरह से पूरे कवर निकल लेना है इसका। देखिए मैंने पूरा कवर निकाल ली, फिर इसको धो के मैं काट लूँगी इस तरह से। देखिए तो ये यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं बे लीफ और ड्राई चिली ऐड की, फिर मैं पूरे सब्जी को यहाँ पे डाल दूँगी, फिर अच्छी तरह से सलाना है इसको। देखिए आप लोग, ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दी और उसके साथ ही वो लिक्विड भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप लोग बेकिंग सोडा को वाटर में मिक्स करके डालिएगा, ठीक? फिर मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड की है। देखिए अभी मैं फ्राई की हुई फिश के हेड को डाल दूंगी और उसको 15 मिनट तक लो फ्लेम में कुक होने के लिए रख दूंगी। तो 15 मिनट बाद पूरा पानी सूख गया है। देखिए ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है, और आप लोग घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और बनाने में बहुत ही आसान है। इसलिए इसको आप लोग बनाओ घर पे और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करो कि कैसा बना था, ठीक है? तो मैं इस सब्जी को ऐसे कवर लगा के लो फ्लेम में बना रही हूँ, बीच बीच में निकल के देख रही हूँ कि अच्छी तरह से पका कि नहीं, ठीक? तो मैं आप लोगों को वो जो लिक्विड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसका रेसिपी भी बहुत जल्दी दूंगी। बहुत ही आसान है बनाने में और इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड कर ली है। मैं यहाँ पे डालूंगी क्यूमिन पाउडर, वो भी 1/2 टेबल स्पून। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारे सब्जी बन के रेडी हो गई। तो इसको मैं सर्व कर लूँगी। तो और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।